वंदे मातरम। लगभग 200 वर्षों के कठोर संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता आज 75 वर्षों के अनेक सुनहरे आयामों को पार कर चुकी है। और स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में आइए हम याद करते हैं कुछ अनकहे नायकों को। आज हम सुनते हैं लावण्य प्रभा घोष की कहानी एमपीएस की जुबानी। लावण्य प्रभा घोष का जन्म 14 अगस्त 1897 को हुआ और उन्हें मनभूम जननी के नाम से जाना गया। 11 साल की उम्र में उनका विवाह पुरुलिया जिले के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति अतुल चंद्र घोष से हुआ। वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाया। उनके पिता भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने दामाद के साथ शिल्पाश्रम की स्थापना की, जो सुभाष चंद्र बोस सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सभा स्थल था। वह पुरुलिया से पहली महिला विधायक थी। वह ब्रिटिश राज के दौरान पुरुलिया में कई विरोध प्रदर्शनों के लिए एक अग्रणी महिला थी और उन्हें क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता मिली थी। उनके बेटे अरुण चंद्र घोष और बेटी उर्मिला मजूमदार भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके साथ शिल्पाश्रम पुरुलिया में रहती थी। उन्होंने नमक मार्च में एक प्रमुख भूमिका निभाई और ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया और 1941 के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लावण्य प्रभा घोष ने अपनी बेटी कमला घोष के साथ महात्मा गांधी द्वारा बुलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन के एक हिस्से के रूप में शिल्पाश्रम में पुरुलिया में विरोध प्रदर्शन किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बिहार में भाषा आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इस आंदोलन के कारण पुरुलिया को बिहार से अलग कर दिया गया और भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया। अपने पूरे जीवन में भारत की स्वतंत्रता से पहले और बाद में उन्होंने आम आदमी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे सच्चे देशभक्तों को हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वंदे मातरम।